guys, welcome to my new video. This is your friend Gagan and today I'll be helping you with your IELTS writing. IELTS writing के साथ बहुत बच्चे struggle करते हैं, even 6 bands के लिए बहुत सारे बच्चे struggle करते हैं. Today I'll be giving you band 7 IELTS writing tips. इससे आप band 7 और उससे भी more bands score कर सकते हो अगर आप ये tips अपने IELTS writing में use करते हो. So जैसे कि आपने बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखे होंगे आइल्स राइटिंग में आपको लिखा होता है, एक सेक्शन आपने देखा होगा, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी से तो आपको पता चल गया कि आपकी ग्रामर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना, ठीक होनी चाहिए. लेकिन ग्रामेटिकल रेंज जो है बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं. ग्रामेटिकल रेंज से क्या मतलब है कि आप कितनी क्षमता रखते हो अलग अलग तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करने की, ठीक है. मोस्टली बच्चे एक या दो तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं. अगर आप किसी की देखो राइटिंग तो पैसिव वॉइस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से भरा होता है ना, और बच्चे दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये वाले एरिया में बैंड्स को डाउन चला जाता है. सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे. सो माई टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स टू स्कोर बैंड 7 और मोर इन आइल्स राइटिंग. दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स दैट यू मस्ट यूज इन योर आइल्स राइटिंग. सम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल एंड इंटरोगेटिव. बिफोर आई मूव इन टू डिटेल ऑफ दीज टाइप्स, पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करूँगी फ्रीक्वेंटली, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने कि मैम बोल क्या रही हैं, ठीक है. पहले मैं वर्ड यूज़ करूँगी क्लॉज. क्लॉज किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट फॉर्म ऑफ वर्ब. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ठीक है. हम इसके काफ़ी टाइप्स होती हैं लेकिन हम दो मेन पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट कुक वेरी वेल बट आई मेक क्वाइट गुड डोनट्स. मैं इतने अच्छे से कुक नहीं कर सकती लेकिन मैं बहुत अच्छे डोनट्स बनाती हूँ, ये है, ठीक है. अब देखिए, बोथ आई कैंट कुक वेरी वेल, एक तो ये सेंटेंस हो गया, एंड आई मेक क्वाइट गुड डोनट्स, ये हो गया. ये दोनों इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना भी अगर इनको आप इतना भी छोड़ दो तो इट कैन एग्जिस्ट वेरी वेल. अगर इस सेंटेंस को आप इतना भी छोड़ दोगे तो ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट नहीं है, ये ठीक है, मतलब दोनों सेपरेटली रह सकते हैं. सो ये हैं हमारे मेन क्लॉज, मीन्स दे आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस एंड कुड एग्जिस्ट एज अ सेपरेट सेंटेंस. दोनों की अपनी अपनी इक्वल इम्पॉर्टेंस है और दोनों सेपरेटली रह सकते हैं, अलग अलग से दोनों का गलत नहीं होगा. सो इनको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड टाइप. सेकेंड टाइप इज डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट यू योर फेवरेट पेस्ट्रीज इफ आई गो टू द टाउन. अगर मैं टाउन गई तो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज लेके आऊंगी. अब ये जो है, दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ माई सेंटेंस, ओके. सो जो ये वाला है, ये है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. ये वाला जो सेंटेंस है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर ये है तो ये है, ये इंडिपेंडेंटली खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर हिंदी में बोलूँ, अगर मैं टाउन गई तो क्या, ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया, है ना. पूरा तो तभी होगा ना जब मैं कहूँगी अगर मैं टाउन गई तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज लेके आऊँगी. तो अगर मैं टाउन गई तो ये खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता एज अ सेपरेट सेंटेंस, ओके. सो दीज काइंड ऑफ क्लॉजेज आर नोन एज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉजेस, बिकॉज ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है. नाउ अब आपको क्लॉजेस का मतलब पता चल गया है, तो हम अब अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे आएंगे कि कैसे हमने अपने राइटिंग के एग्जाम में स्ट्रक्चर्स डालने हैं. पहला, हम सिंपल सेंटेंस जरूर डालेंगे. ट्राई कि आप एटलीस्ट एक तो सिंपल सेंटेंस डाल लें उसमें. सिंपल सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस कंटेन सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड मे ऑल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. और क्या होता है, कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अभी आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज पता चल गया ना, क्या होता है उसमें, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी रोट.
अब शी रोट क्या है, शी है सब्जेक्ट, रोट क्या है वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये खुद से एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट, शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, शी क्या है सब्जेक्ट, कंप्लीटेड क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारी कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होता है, दे कंटेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं एंड कैन बी कंबाइंड विद अ कॉमा और अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और विद अ सेमीकोलन. हम इनको जैसे बट एंड ऐसे वर्ड से सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉमा से ज्वाइन कर सकते हैं, या सेमीकोलन से ज्वाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट एंड शी इंक्लूडेड द बिबलियोग्राफी. अभी ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इनको ज्वाइन हमने कैसे करा हुआ है, एंड से. एंड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप नाउ. अब हमारी थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक हो इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जांपल, ऑल्दो शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट, शी स्टिल नीड टू वर्क ऑन हर बिबलियोग्राफी सेक्शन. अब देखिए, ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. हालांकि उसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी भी उसको अपने बिबलियोग्राफी सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है. अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे, अगर इतना भी बोलेंगे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस. सो ये दोनों चाहिए ही चाहिए. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स. इसकी और एग्जांपल देख लीजिए आप. बिकॉज ही ऑर्गेनाइज हिज रिसोर्सेज, ही स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हिज बिबलियोग्राफी सेक्शन. अभी बच्चे क्या करते हैं, बिकॉज से सेंटेंस शुरू तो कर लेते हैं, उनको लगता है हाँ जी वैरायटी हो जाएगी, बिकॉज से शुरू करके यहाँ तक छोड़ देते हैं. तो उससे क्या होता है, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. सो आपको दोनों ही इंक्लूड करने होते हैं. बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज, ही स्टिल नीडेड टू वर्क ऑन हिज बिबलियोग्राफी सेक्शन. ओके, सो आवर नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ये क्या होते हैं, दे कंटेन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन डिपेंडेंट क्लॉजेस. जैसे इसमें था कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट है. ये जो आप सेंटेंस लिखते हो ना, लंबे लंबे सेंटेंस लिखते जाते हो, दोज आर आर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड हर असाइनमेंट बट स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर बिबलियोग्राफी सेक्शन इवन दो शी फिनिश्ड हर बिबलियोग्राफी कोर्स लास्ट सेमेस्टर. अभी इसमें आप देखिए कि ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप, एक्टिव सेंटेंसेस. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपने छोटे होते क्लासेस में, छोटी क्लासेस में बहुत बारी पढ़े होंगे, लेकिन ये हमारे आइल्स में भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं. एक्टिव सेंटेंस होता क्या है, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, शेफ्स, शेफ्स क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट. बेक, बेक क्या होगा हमारा वर्ब. ऑब्जेक्ट, केक. शेफ्स बेक केक, शेफ्स बेक केक को बेक करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, रिपोर्टर्स राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स, रिपोर्टर्स न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखते हैं, राइट. सो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा होता है एक्टिव सेंटेंस. बच्चों की राइटिंग जो होती है, पैसिव सेंटेंसेस से भरी भरी होती है. सो ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड सम एक्टिव सेंटेंसेस ऑल्सो. नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस क्या होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे वो पहले आ जाता है, फिर इज एम आर या वॉज वर आपके पास्ट सेंटेंस है या प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, फिर वर्ब प्लस बाय और सब्जेक्ट जो है वो एंड में चला जाता है, और कुछ अनवांटेड केसेस में हम सब्जेक्ट को एलिमिनेट भी कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़ रिपोर्ट्स आर रिटन बाय रिपोर्टर्स. अब न्यूज़ रिपोर्ट्स जो था हमारा ऑब्जेक्ट, ये अभी पहले आ गया, ठीक है, इज एम आर में से आ गया हमारा आर, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई रिटन बाय रिपोर्टर्स, जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये एंड में आ गया, सॉरी सब्जेक्ट हमारा एंड में आ गया. नेक्स्ट, केक्स आर बेक्ड बाय शेफ्स. केक्स आगे आ गया, आर लग गया, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, और ये हमारा सब्जेक्ट आ गया लास्ट में. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप एंड मोस्ट इग्नोर्ड टाइप है हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस.
इससे आप बहुत अच्छी अपनी वोकैबलरी और अपनी ग्रामेटिकल रेंज शो कर सकते हो. जनरली हम ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में देते हैं जब हम अपनी सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट वन कंडीशनल सेंटेंस इन बीपी वन एंड इन बीपी टू. फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो इफ से स्टार्ट करते हैं. अगर If precautionary measures were taken before, we would not be having obesity issues now. अगर precautionary measures पहले लिए होते तो अभी हमें obesity issues नहीं होते. ये भी काफ़ी types के होते हैं, zero, first, second, third. We will not go into that detail. ये मैंने सिर्फ इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो third conditional है वो हम solution ऐसे में, problem solution ऐसे में use करते हैं. I'll be explaining these types in a separate video so that आपको ये clear हो जाए, ठीक है. लेकिन अभी आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट एक कंडीशनल सेंटेंस जरूर ट्राई करिए. नाउ आवर लास्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन मार्क्स के साथ सेंटेंस होते हैं जिसमें आप कोई क्वेश्चन आस्क करते हो, हमेशा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने एसे में जरूर इंक्लूड करके आइए, इधर इन बी पी वन और इन बी पी टू. दिस विल हाईली इंक्रीज योर स्कोर. ऑलवेज रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हो, हाउ कैन अ नॉर्मल सिटीजन रन अ हाउस होल्ड विद सच लो वेजेस. ऐसे भी अगर आपको कोई वेजेस पे है कि सैलरी कम होती जा रही है, लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, काइंड ऑफ दिस एसेस, आप ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना के आइए. इससे आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा. आई कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस अगर आप ये आठ तरह के सेंटेंसेज अपने ऐसे में इंक्लूड करके आते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. हाँ, प्रोवाइडेड दैट आप बाकी सेक्शंस में भी अच्छा कर रहे हो, वोकैब भी अच्छी डाल रहे हो, तो आपकी ये ग्रामेटिकल रेंज में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो. सो जो इंटेरोगेटिव में बात करने की जो मेन थिंग है कि आपको सिर्फ एक ही इंटेरोगेटिव यूज़ करना है पूरे ऐसे में, नॉट मोर देन दैट. जैसे कंडीशनल आप डाल सकते हो दो तीन, है ना, ऐसे बाकी सारे भी, लेकिन इंटेरोगेटिव आपको सिर्फ एक डालना है, राइट. सो ऐसी और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी आइल्स कर ले फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नीड एनी अदर टाइप ऑफ असिस्टेंस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लव यू ऑल. बाय बाय.